पर्दे पर ग्लैमरस लुक के साथ लौटी चित्रांगदा सिंह की जिंदगी का रंग कैसा है? चित्रांगदा भले ही अपनी निजी जिंदगी को 7 पर्दों में छिपा कर रखती हो, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज आ गया है बाहर। वो राज है उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। खबर है कि चित्रांगदा का तलाक हो चुका है, वो भी पिछले साल नवंबर में। चित्रांगदा ने कई महीनों तक इस राज को छिपा कर रखा। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार को लेकर अक्सर खबरें आती रही हैं, लेकिन हर बार चित्रांगदा इस खबर को झुठलाती भी रही। Speculation about your personal life, does it bother you? Do you feel vulnerable at times that the stuff is written as such? I think it's just all bull. It's, I think it's just, I don't know why they can't find something else or find someone else to write about. I think they've written enough of that about me, so they should stop. लेकिन अब उनके तलाक की खबर हर जगह जंगल में आग की तरह फैल गई है। Family court से उनकी तलाक याचिका की कॉपी भी अब सामने आ गई है। खबरों की माने तो चित्रांगदा और मशहूर गोल्फकर ज्योति रंधावा ने मई 2013 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। ये पिटीशन गुड़गांव के फैमिली कोर्ट में फाइल की गई थी। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक याचिका लगाने के बाद 6 महीने तक याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की तरफ से वक्त मिलता है, ताकि दोनों अलग होने के फैसले पर एक बार फिर से गौर कर ले। पिछले साल यानी कि 2013 नवंबर में दोनों का तलाक हो गया। कोर्ट से उनके बेटे जोरावर रंधावा की कस्टडी भी चित्रांगदा को मिली है। हैरत की बात ये कि बॉलीवुड की इस हीरोइन ने इतने लंबे वक्त तक इस खबर को छिपा कर रखा। चित्रांगदा ने गोल्फर ज्योति रंधावा से अपने एक्टिंग करियर से पहले ही शादी कर ली थी। शादी के बाद ही उन्होंने सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा भी गया था। इस फिल्म के बाद ही उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से मुंह मोड़ लिया था और अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। लेकिन चित्रांगदा को अभिनय छोड़ना रास नहीं आ रहा था। खबर है कि इसी वजह से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ना शुरू हो गया। चित्रांगदा वापस मुंबई आकर फिल्मों में काम करना चाहती थी, जबकि ज्योति रंधावा को यह कतई पसंद नहीं था कि वो फिल्मी लाइन में वापस लौटे। लेकिन 2011 में चित्रांगदा मुंबई शिफ्ट हो गई। उस वक्त इस खबर ने काफी जोर पकड़ा था कि उनकी मैरिड लाइफ मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन चित्रांगदा ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि उनकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। शादी पर सवाल पूछे जाने पर वो कुछ यूं मुस्कुरा कर जवाब देती, जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो। आपकी मैरिज No, I was still running. Believe me, that was very light. I ran. Well, yeah, but I don't think I did so much. This is far more spectacular than I think I did for my wedding. That was different. That was all in such a big rush, and it wasn't so, you know, planned and so elaborate. But yeah, it's. Beautiful. And when you're. और अब सीधे खबर आई है उनके तलाक की। चित्रांगदा अभी भी इस पूरे मामले पर खामोश हैं। बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया में शादी का टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपने तलाक को चित्रांगदा ने आखिर क्यों छिपा कर रखा, ये अभी भी सस्पेंस है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।